एक दूजे के वास्ते। हेलो, कैसे हैं आप जी? पता भी है हमें आपकी कितनी याद आती है। दो दिनों से बात नहीं हुई है ना, तो ना हमने ठीक से कुछ खाया है और ना सोए हैं जी। हेलो, अबे कौन बात कर रही है बे? अच्छा, अब हम आपको याद भी नहीं आते जी? हम झुमरी, डमरू की झुमरी। ओ तेरी, इस घर के दरवाजे थोड़े क्या खटखटा दिए? पता नहीं कितने कितने और कौन कौन से राजबार निकल के आ रही है बे। हेलो झुमरी जी, आपने चोरी छुपे डमरू जी से शादी भी कर ली क्या? कमाल है यार। कौन बोल रहा है जी? अरे हमारा आवाज नहीं पहचाने क्या? हम बंटी मियाँ बोलिए। श्रवण मियाँ के पक्के वाले यार। कुछ बहुत अजीब हो रहा है बंटी जी। क्योंकि फोन तो हम डमरू जी को लगाए थे, आपका तो नंबर भी नहीं है हमारे पास। अरे जन नंबर है ना आपके पास, वही हमारा नंबर है। बहुत लंबी वाली कहानी, हम किसी दिन और आपको समझेंगे, पर पहले आप हमको बताओ कि ये जो आपकी छोटी सी लव स्टोरी है उसके बारे में और किस किस को पता है? यहाँ पहले अपनी दीदी थी, उन्हें पता था, अब वो गई, अब श्रवण भैया और सुमन दीदी को पता है। आपसे विनती है कि आप किसी को कुछ मत बताइएगा जी। ऐसा है झुमरी जी, इस पूरे भोपाल में ना आधे से ज्यादा लोगों का राज ना बंटी मियां के सीने में दफन है। थैंकू जी, पर अब हम डमरू जी से कैसे बात करेंगे जी? अरे आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम कंचन जी को अभी कॉल करते हैं और तुरंत आपकी बात डमरू जी से करवाते हैं, ठीक है? अभी हम रखते हैं। इन दोनों फैमिलीज के बीच में ना प्यार का मामला बड़ा झोल वाला लग रही है। हमारे मियां और सुमन का तो छोड़ो, यह तो बेचारे डमरू और झुमरी भी अपना प्यार बचाए बचाए घूम रही है। देखिए चाची, मैं ना अच्छे से जानता हूँ कि आप चाचू की वजह। चाची आप एक बात बताइए मुझे, मैं आपका कुछ नहीं लगता क्या? इतने सालों से तो हम लोग भी नहीं मिले, आप मेरे लिए नहीं आ सकते क्या चाची? प्लीज श्रवण दीदी, मैं चाची आपको शायद पता नहीं है पर मैं अपनी कमान जून करने वापस जा रहा हूँ, उसके बाद पता नहीं हम लोग फिर कब मिलेंगे, और हो सकता है कि फिर मिले भी या हम ना। अरे श्रवण तुम ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चाची मुझे ना बहुत अच्छे से पता है कि मेरे और कुछ भी बोलने से आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने जिंदगी में कभी मुझे अपना बेटा माना है ना, तो आप मुझसे मिलने जरूर आओगे। नहीं नहीं चाची, बस बात खत्म हो गई यहाँ पे। अच्छा तो चाची को ब्लैकमेल किया जा रहा है? नहीं, उस पर सिर्फ मेरे पेरेंट्स का कॉपीराइट है, बल्कि आज तो मैंने आपके वाला फंडा ट्राई किया, और आप देखना मामा चाची वापस जरूर आएंगे। अच्छा तो ये फंडा ना तुम मेरे ऊपर मत चिपका। वैसे तुझे अचानक हो क्या गया है? अचानक नहीं मामा, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हम सब पहले कैसे अलग अलग हो गए थे, और अब जब सब कुछ ठीक हो रहे हैं, सारे हालात फिर से सुधर रहे हैं, तो इस फैमिली को फिर से जोड़ते हैं ना, सबको एक करते हैं। और ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है मामा कि चाचू कभी बताएंगे नहीं, पर वो चाचू को बहुत मिस करते हैं। अगर वो दोनों साथ में बैठ के बात करेंगे ना, तो सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। और अवनी, अवनी भी तो खुश होगी ना इससे। और हम एक फैमिली है मम्मा, हमें कोशिश करनी चाहिए उन्हें फिर से मिलाने की। और मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में ना हर इंसान को एक दूसरा चांस जरूर मिलना चाहिए। क्या बात है श्रवण, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरा पुत्र इतना समझदार हो गया है, अपने परिवार के बारे में सोच रहा है। मैं सही थी, अब तू हो गया है व्यादे वास्ते एकदम तैयार। हाँ, तेरे पापा ने जो फोटो भेजी थी वो तो तूने सारी की सारी रिजेक्ट कर दी, पर कोई गल नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना। बता मुझे, बता तू कैसी कुड़ी चाहिए तुझे, या तूने अपने लिए कोई कुड़ी ढूंढ ली है तो वो भी बता सकता है तू। तुम जानते हो कि इस घर में झूठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसीलिए सच सच बताओ कि ये टिफिन कहाँ से आया। मल्होत्रा हाउस से। पालक पनीर की प्रिपरेशन देखकर ही समझ गई थी कि ये रेसिपी हमारी नहीं है। ये पालक पनीर किसने किसके लिए भिजवाई है वो भी समझ गई थी। बेशक उसकी हिम्मत तो बहुत ही बढ़ गई है, लेकिन डम्बू तुम आज कान खोलकर एक बात सुन लो, अगर आगे से गलती से भी तुमसे इस तरह की कोई गलती हुई ना,
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? फेंक दिया सारा खाना मैंने डस्टबिन में। चाची प्लीज आप ऐसे बुरा। सुमन तूने अपनी लाइफ में सब कुछ अपनी मर्जी से किया जो तुझे पसंद था, और इस घर में सारे लोग कान खुलकर सुन लो, मल्होत्रा हाउस से जुड़ी हुई कोई भी चीज इस घर में नहीं आएगी, कुछ भी नहीं। चाची आप सुमन, अगर तुझे मेरा कहना नहीं मानना है तो तू मुझे कह दे, मैं आज अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। शुक्र है भगवान का कि मैंने सुमन और श्रवण की बात नहीं छेड़ी बिना, वरना आज और बवाल होता। अरे यार श्रवण, और कितनी देर इंतजार कराएगा अपने सरप्राइज के लिए? पापा बस थोड़ी सी देर और ना, वेट करिए ना। जुमली तब तक सबके लिए स्टार्टर ले आओ, जाओ। ओ श्रवण क्या कर रहा है तू, सरप्राइज उगा रहा है क्या कहीं जाके? हाँ कितनी देर लगा दी है? तेरे सस्पेंस के चक्कर में मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। आप लोग स्टार्टर स्टार्ट करिए, एक जरूरी कॉल है पापा। मैं अटेंड करता हूँ। हाँ यार। हाय। हाँ कैसा लगा? तुमने तो चाची को फेल कर दिया श्रवण। सच में तुम इतना पसंद आया? अच्छा मैंने तो डिसाइड कर लिया श्रवण कि अब जब भी मुझे पालक पनीर खाना होगा ना तुम्हीं से बनवाऊंगी। इनफैक्ट कंचा तो तुमसे उसकी रेसिपी भी लेने वाली। तुम काफी थक गए होगे ना श्रवण? एक्चुअली सच बोलूं बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हारे लिए खाना बना के मुझे इतना अच्छा लगा कि बस क्या ही बोलूं। बस काश कि तुम्हें खाते और एंजॉय करते हुए भी देख पाता मैं। कोई बात नहीं श्रवण, अभी तो साथ में हमारी लाइफ शुरू हुई है। हाँ बस यार आज ना मन थोड़ा सा नर्वस हो के पता नहीं चाची आएगी भी या नहीं। श्रवण ये ज्यादा सोचने वाली बीमारी तो मुझे, और देखना चाची तुम्हारी बात को कभी टाल ही नहीं सकती, वो पक्का आएंगी। Even I hope so. बस मुझे ये डर भी लग रहा है कि कहीं चाचू के साथ बाकी सब लोगों ने देख के ऑकवर्ड ना हो जाए। अब इसका भी सलूशन है मेरे पास, बस तुम इतना याद रखो कि आधी मुश्किलें तो साथ होने से ही सॉल्व हो जाती है। जितना टाइम चाची चाचू के साथ स्पेंड करेंगी ना देखना धीरे धीरे सारी ऑकवर्डनेस चली जाएगी। घंटी बजी, शायद चाची आ गई है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? बाय बाय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।